कैसे हैं सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे और परीक्षा प्लस के साथ अपनी तैयारी आगे बढ़ा रहे होंगे। इसी के साथ जैसा कि हमने अभी एक क्लास परसेंटेज का डाला था बेसिक कॉन्सेप्ट पे, जिसने हमने सीखा था, क्या सीखा था भाई, कि कैसे हम कंपेयर करेंगे। दूसरी क्लास जो हमने किया था वो उसका एप्लीकेशन किए थे। आज हम तीसरी क्लास आपके सामने लेके आए हैं जिसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, और अगर इस कॉन्सेप्ट को हम कहीं भी अप्लाई करें तो हर जगह काम बन जाएगा। चलिए फिर भी हम ने शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या बता दें आपको कि ये पूरा जो प्रोग्राम है वो 10 प्लस कोर्स के अंदर ही संचालित हो रहा है। पूरा जो प्रोग्राम है ये 10 प्लस कोर्स के अंदर संचालित हो रहा है। इसका मतलब है कि हम 10 कोर्स को एक साथ कवर कर रहे हैं, वो भी निशुल्क कवर कर रहे हैं सारी चीजें। और इसके अंतर्गत हम आपका यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल के बैच को बहुत अच्छे से संचालित कर रहे हैं। तो बिना देर करते हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि भाई आप लोग प्रैक्टिस किया करो, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको पीडीएफ लेना जरूरी है मैथ का, जो आपका 3 महीने का सब्सक्रिप्शन में मात्र 499 रुपए में मिल जाएगा, जो हर क्लास आपको 2 PDF दी जाती है कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन का लेके। तो चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं, बिना देरी के हुए क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में पहले 10% बढ़ाया जाता है फिर 20% बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या शुरुआती संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। याद करिए पहला क्लास, इससे पहले की क्लास। अभी जो लोग इससे पहले की क्लास ना देखे हो वो तुरंत जाएं इससे पहले की क्लास प्लेलिस्ट में जाइए। 10 प्लस कोर्स के मैथ्स के प्लेलिस्ट में 1, 2, 3 करके सारे वीडियो दी हुई हैं। आप दूसरे वीडियो में जाइए, इससे पहले की क्लास अटेंड करिए, तभी जाके क्लास समझ में आने वाली है। और अगर जिन्होंने क्लास अटेंड किया है वो बहुत अच्छे से आगे सीखे। तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने देखा था कि जो एक आयतन वाला क्वेश्चन था, कि ज्योमेट्रिक फिगर था, उसका आयतन बढ़ रहा था, तो वहां पर हमने क्या अप्लाई किया था, हमने वहां पर x plus y plus xy upon 100 अप्लाई कर दिया था और हमारा रिजल्ट आ गया था। तो इस क्लास में हम यही सीखेंगे आखिर ये क्या है x plus y। बहुत सुनते आ रहे हो आप, हर जगह सुनते आ रहे हो, और हर पेपर में लगभग इस पे एक क्वेश्चन बन ही जाता है परसेंटेज का। तो आखिर क्या है ये, और अगर हमें इसे सीखना है, एक बात होती है सीखना और एक होता है ऐसे सीखना कभी भूलना नहीं। भाई मैथ्स क्या है, मैथ्स तो ऐसी चीज है जो एक बार सीख लो परमानेंट हो जाती है। जीएस तो है नहीं, इतिहास तो है नहीं, भूगोल तो है नहीं कि बार बार आपको पढ़ना पड़े। मैथ्स आप एक बार में ऐसा पढ़ लीजिए कि जिंदगी भर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो यकीन मानिए कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे प्रश्न लगे ना। बस आपको निरंतर क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो उसी की शुरुआत करते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले इतना बात तो समझ में आ गई होगी कि x plus y plus xy पर 100 लगना है क्या, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई दो नंबर है क्या, n1 और n2 सपोज करिएगा, कोई नंबर है, हम कुछ भी कर रहे हैं इसमें, या एक ही नंबर लें, दो नंबर ना लें, दो एक नंबर से पढ़ेंगे और सही समझ में आएगा। N1 है, इसमें पहले अगर हम कुछ बढ़ाते हैं, कुछ प्रतिशत में बढ़ाते हैं, सपोज कर लें कि 10% बढ़ा लें। अब ये 10% बढ़ाने के बाद मान लो N2 हो जाता है, अभी इसी N2 में हम 20% बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें, 20% बढ़ा दें, तो ये क्या हो जाता है, N3 हो जाता है। अभी समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कि जब कोई चीज N1 से बढ़ाया गया 10% हुआ N2, और उसे N2 में 20% बढ़ाया गया क्या हो गया, N3 हो गया। और अच्छे से समझने के लिए अभी मान ले हम 100 और 100 को 10% बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, यहां पे 110, और 110 में 20% बढ़ा दें तो 110 का 20% 11 भाई, 110 × 20/100 ऐसे तो परसेंटेज निकालते हैं, ये 0 0 और ये 0 0, तो 11 × 22 और बढ़ जाएगा, और 110 में 22 और जोड़ देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा। यानी कि पहले हमने 10% बढ़ाया, फिर हमने 20% बढ़ाया, तो 100 से कहां पहुंच गया वो, 132। अभी मैं आपसे पूछूं कि जो ये N1 है और N3 है, N3 N1 से कितना बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, भाई अगर N1 100 है और N3 132 है तो कितना बड़ा है, 32 बड़ा है। 32 किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, तो 32/100 और × 100, यानी कि आप क्या बोलोगे कि 32% बड़ा है।
बात समझ में आ गई कि जब हमने पहले 10% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया तो कुल जो बढ़ोतरी हुई वो कितनी हुई 32% की हुई। इसी को हम XY पे देखते हैं। इसका एक तरीका होता है जो थोड़ा क्विक तरीके से हम यही चीज रिजल्ट पा जाते हैं। भाई एक था 10, दूसरा बढ़ रहा था 20 और 10 × 20/100 0 कट जाएगा, ये कितना बचेगा 30 + 2 यानी कि 32% यहां से भी आपका क्या आ गया रिजल्ट आ गया। समझ में आ रहे? अभी जो आप इतना प्रोसेस लेंदी किए थे वो आप इतनी आसानी से निकाल सकते हो, तो यही हमारा है कॉन्सेप्ट और इसे बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट। मतलब निरंतर जब कोई चीज बढ़ रही हो या घट रही हो, कुछ भी नहीं इंक्रीमेंट, सक्सेसिव का केस जब होता है मतलब एक बार बढ़े उसी पे फिर बढ़ जाए, एक बार घटे उसी पे फिर घट जाए, एक बार बढ़े उस पे घट जाए या एक बार घटे और उस पे बढ़ जाए, मतलब एक प्रोसेस हो रही है फिर उसी पे प्रोसेस हो रही है, उसे क्या बोलते हैं सक्सेसिव निरंतर। और जब ऐसा आता है तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट लगता है, तो यहां पे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा x + y + xy/100। अब इसमें x और y क्या है, तो x यही जो पहला वाला इंक्रीमेंट है, y ये जो दूसरा वाला इंक्रीमेंट है, इससे कंपेयर कर सकते हैं यहां पे x और यहां पे y। बात समझ में आ रही? एक हमारा x हो गया और एक हमारा y हो गया, और इसी को जो हमने फॉर्मूले में रख दिया तो हमारा सीधा क्या आ गया आंसर आ गया। तो मैं यही तो पूछ रहा था, उसने पूछा क्या आपसे, उसने पूछा यदि किसी संख्या में पहले 10% बढ़ाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या शुरुआती संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमारा उत्तर क्या आ गया सी आ गया, 32 हमारा सही ऑप्शन हो गया। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं कि जो क्लास का मॉड्यूल होता है, पहली बात हम बहुत आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। लेवल क्यों बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि हमें जीरो से हीरो बनना है, और जीरो से हीरो इसलिए बनना है क्योंकि आप एक ऐसी आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली कब कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछ ले। किसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं UP SSC की बात कर रहा हूं और UP SSC के उस वेंडर की बात कर रहा हूं जो आपकी भावनाओं के साथ हमेशा खेलता रहता है। पहली बात तो ये, दूसरी बात एक बात और समझेंगे कि जब जब हम पेपर में बैठते हैं, जब जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं, तो एक बात हमारे दिमाग में होना चाहिए, मैं हर क्लास में बताता हूं और फिर बताऊंगा क्योंकि मेरा काम है आपको बार बार सही रास्ता दिखाना, आपको भटकने नहीं देना। तो अगर आप कोई भी पेपर देख लो तो उसमें 20-30% जो प्रश्न होते हैं वो इजी होते हैं, 40-45% जो प्रश्न होते हैं वो आपके मॉडरेट लेवल के होते हैं, मीडियम लेवल के होते हैं, और बाकी जो बचे वो आपके क्या होते हैं करीबन 25-30% वो आपके क्या होते हैं हार्ड होते हैं। ये 30-35 भी इजी हो सकता है, इसमें थोड़ा चलता रहता है। तो ये आपका पेपर में क्वेश्चन पूछने का तरीका है, जब वो चाहेगा कि परसेंटेज चैप्टर से यहां वाला प्रश्न दिया जाए तो सिंपल एक फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन दे देगा, आप निकालो। वो तो ये भी पूछ सकते हैं हमसे, जब आपसे आसान वाला क्वेश्चन पूछेगा बोलेगा 50 का कितना प्रतिशत है, आप सीधा 25/50 × 100 कर लोगे, और जो ज्यादा तेज होगे ज्यादा बोल दोगे आधा दिख रहा है तो 50% है। वो आसान पूछा है, ऐसा बात नहीं है, पूछा है और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा है। क्यों? क्योंकि जब वो इजी वाले क्वेश्चन में पूछेगा, मॉडरेट वाले में पूछेगा तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, और जब हार्ड में पूछेगा तब आपका इसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन पूछेगा जो हम सीधे धीरे 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 टफ लेवल वाले क्वेश्चन पे करते रहते हैं। तो हमें बहुत स्ट्रक्चरल बहुत प्रोसीजरल वे में सीखते चलना है बिना देरी के हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मंदी के चलते किसी वस्तु की, दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं जूम कर दे रहा हूं, हां क्या कह रहे हैं, मंदी के चलते किसी वस्तु की मूल्य 20% बढ़ जाती है। मंदी मतलब समझ रहे हो ना कि अभी देखो कोरोना चल रहा है तो जाहिर सी बात सारे फैक्ट्रियां बंद है, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो मंदी आ जाएगी, बस वही कह रहे हैं मंदी के चलते किसी वस्तु की मूल्य 20% बढ़ जाती है तथा स्थिति सामान्य होने पर 15% घट जाती है। वस्तु की दाम मंदी में बढ़ गई है और इसमें घट गई है, हालांकि मंदी में दाम घट जाता है, इसमें उल्टा लिखा है, सामान्य होने पर मूल्य 15% घट जाती है, तब वस्तु के कुल मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी वृद्धि हुई। कुछ भी कह रहा है वो, लैंग्वेज कुछ भी रहे हमें शब्दों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, शब्द का मतलब वहीं पे है जहां पे उसका कुछ मतलब अलग निकले। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप जान लो अभी अभी आपने क्या सीखा है x + y + xy / 100।
तो सीधा अप्लाई कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा अप्लाई करने में, सबसे पहले बच्चे क्या कर लेंगे, सीधा 20 लिख देंगे, 15 लिख देंगे, और 15 गुणे 20 बटे 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 35, और ये 0 0 कट दो, 30 का 3 कट जाएगा प्लस 3, यानी कि 38% आ जाएगा। और उसके बाद लगेंगे ढूंढने, और ढूंढने जब लगेंगे तो कोई भी ऑप्शन में 38% दिख ही नहीं रहा है। बस अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और ये सिचुएशन आपके साथ हो गया कि एक बार आप प्रश्न लगाए और उत्तर गलत आ गया, तो यकीन मानो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जानी है, आपका बीपी दुगना हो जाना है, और आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आओगे। और यही होता है बच्चों के साथ। मैं बार बार बोलता हूं कि एग्जाम में टेम्परामेंट बहुत जरूरी है, और जब भी प्रश्न एक बार गलत हो जाता है तो 99% चांस ये हो जाते हैं कि दोबारा जब आप उसे चेक कर रहे हो तो फिर भी गलत हो जाता है। कई बार बहुत छोटी छोटी गलतियां, आप 5 × 2 = 10 ना लिख के 8 लिखते हो, कई बार ऐसा होता है, जोड़े गुणा करना होता है, जोड़ते हो उसे, तो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं। ये कैसे कब होती हैं, एक तो आप जब प्रैक्टिस नहीं किए होते हो तब, और दूसरा जब आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तब। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, तो आखिर इस प्रश्न में क्या ऐसा कॉन्सेप्ट छुपा है जो हमारा गलत हो गया, तो हम समझते हैं। समझते कहां है कि यहां पे तो बोला 20% की बढ़ोतरी, 20% की बढ़ोतरी, और यहां पे क्या बोला 15% कम हो जाता है। दोनों में अंतर है कि नहीं भाई, अंतर है, एक जगह बढ़ रहा है और दूसरी जगह घट रहा है, तो हम कैसे दोनों जगह बढ़ोतरी दिखा दिए। यहां पे हमें एक बात समझ में आई कि अगर आपके प्रश्न में दोनों चीजें साथ हो रही होंगी, एक तरफ बढ़ रहा होगा और एक तरफ घट रहा होगा, तो आपको कुछ अलग लगाना है। क्या अलग लगाना है समझिए, जब कुछ चीज की बढ़ोतरी हो रही होगी, बढ़ रही होगी, तब हम साइन कह लेंगे प्लस का, और जब कुछ चीज कम हो रहा होगा, डिक्रीमेंट हो रहा होगा, तब क्या लेंगे साइन माइनस का। तो यानी जो हमारा फॉर्मूला था एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इसी फॉर्मूले में सपोज करिए एक्स आपका बढ़ रहा हो तो पॉजिटिव होगा, और वाई आपका घट रहा हो तो क्या होगा निगेटिव। अब जहां जहां वाई है वहां वहां माइनस वाई कर दीजिए, तो हम यहां पर एक्स लिख ले और यहां पे प्लस का माइनस वाई प्लस एक्स इंटू, समझिएगा एक्स इंटू, मैं अलग अलग लिख रहा हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, माइनस वाई अपॉन 100। अभी समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आना चाहिए। जहां जहां वाई था हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, माइनस वाई से, क्योंकि वाई डिक्रीमेंट हो रहा है, तो ये नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये नया फॉर्मूला आपका बन जाएगा एक्स माइनस वाई और यहां पे माइनस एक्स वाई अपॉन 100। बात समझ में आई, तो जो हमने वहां पे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 लिख दिया था गलत हो गया था, हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा, और जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि पहले 20% बढ़ता है, तो अगर बढ़ता है तो हम क्या लेंगे प्लस का 20 लेंगे, और अगर घटेगा तो हम माइनस लेंगे, तो दूसरा वाला घटता है तो आगे माइनस का 15 लेंगे, और माइनस 20 × 15/100, ये माइनस 15 बाहर लेके आया ब्रैकेट का तो माइनस आ गया है, ध्यान दीजिएगा। तो 20 में से 15 जाएगा तो यहां क्या बचेगा 5, और यहां पे माइनस का साइन, और 15 ये 20 सीधा 5 से कट कर देगा, और ये 5 इसे 3 से कट देगा, तो 5 − 3 यानी कि 2% आ गया। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी भी आप समझ नहीं पाओगे, एग्जाम में गलत करके आ जाओगे। एग्जाम में कैसे गलत कर दोगे, 2 आपका उत्तर आ गया, और आपको पता नहीं क्या होती है, बचपन से ही जब से पैदा होते हो तब से जल्दबाजी रहती है, और वो जल्दबाजी ऐसे नहीं जाती है, एग्जाम हॉल में आप चले जाते हो वहां भी जल्दबाजी रहती है। 2% आया नहीं, यहां पर आप देखे 2% खट से टिक मार दिए, तुरंत एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ इस वाले ऑप्शन में टिक मार दिए, और उसके बाद एकदम खुश कि अब तो मेरा हो गया। घर आए, मम्मी पूछी बेटा पेपर कैसा हुआ, मम्मी बहुत बढ़िया पेपर हुआ। रिजल्ट आया, फुस गए, हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया जल्दबाजी में कि यहां पे 2% कमी थी तो यहां पे 2% वृद्धि भी तो दे रहा है, तो ये उत्तर होगा कि ये उत्तर होगा। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया अगर यहां पे पॉजिटिव में आंसर आए तो इसका मतलब क्या होगा, वृद्धि, और अगर यहां पे माइनस में आता तो क्या होता, कमी। तो यहां पे 2 माइनस है कि प्लस,
दो प्लस में, पांच में से तीन जाएगा तो पॉजिटिव का बचेगा, तो दो पॉजिटिव है तो 2% की वृद्धि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है दुर्घटना से देर भली, है ना। अगर आप ज्यादा जल्दबाजी करोगे तो दुर्घटना ये वाली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और ये नंबर गंवाना नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कुछ ही सेकंड में आ जाते हैं, हमारे सही उत्तर आता है। अगर आप लापरवाही नहीं करोगे तो आयोग आपको एकदम विन विन सिचुएशन की तरह आपको सही मार्क देगा और आप परीक्षा में सफल होगे। तो इसी के साथ हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं बिना देरी किए हुए, समय भी जरूरी है, तो यहां पे हम इसे जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोलता है इसलिए क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक आयताकार बाग की लंबाई, है ना, बाग मतलब बगीचा, 15% और चौड़ाई 25%, चौड़ाई क्या 25% कम कर दी जाती है, तो बगीचे के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की कमी आएगी। समझिएगा, अभी एक कोई बगीचा है, ये बगीचा है, यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो इसकी लंबाई भी कम की जा रही है और चौड़ाई भी कम की जा रही है, लेंथ और ब्रेथ तो दोनों कम किया जा रहा है, कितना, एक 15% एक 25%। और अब जब दोनों कम किया जा रहा है तो भैया आपने अपने अभी अभी सीखा है कि जब कोई चीज कम होती है तो क्या लाते हो, माइनस। तो यहाँ पे जब दोनों कम हो रहा है तो कौन रोका है आपको कि दोनों माइनस ना लगाओ, लगाओ ना यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो हम यहाँ पे -x - y - x - y - x - y - 100 ये इंटू लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा -x - y और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +xy/100, और ये आपका नया फॉर्मूला बन जाएगा, नया फॉर्मूला बन जाएगा, तो आप इसे अप्लाई करोगे तो आपको एक समझ में आ गई बात कि जब दोनों माइनस माइनस में होता है तब आप क्या लगाओगे, ये फॉर्मूला लगाओगे। तो लगा दो भाई फॉर्मूला फटाक से, बिना देरी के हुए फॉर्मूला लगा देते हैं। माइनस माइनस करना है तो वहां पे क्या होना है, माइनस का 15 और माइनस का 25, माइनस का 15 माइनस का 25 और माइनस माइनस प्लस, और 15 × 25/100। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आना चाहिए, बहुत आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी सीख जाओगे जिंदगी भर आपका हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा माइनस का 40, जोड़ घटाओ का थोड़ा प्रैक्टिस किया करो, मैं जोड़ के नहीं बताऊंगा, 25 और 15 40 ही होता है, और यहाँ पे 25 × 100 और 15/4 करेंगे तो 4 × 3 = 12, और यहाँ पे 7 × 5 और आएगा, तो -40 + 3.75, 40 में से 3 जाएगा तो कितना 37, यानी कि 36.25। और अभी ध्यान देना, -40 बड़ा है कि 3.75, -40 बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उसका साइन लेगा, यहां पे क्या आएगा माइनस, और अब ध्यान दे लो, अब यहां पे साड़ा नहीं बनना है कि गलत करके आ जाना है, तो आप माइनस आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा 36.25 आपका सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि यहां पे आपको ऑप्शन कंफ्यूज नहीं किया था, अगर ऑप्शन कंफ्यूज करता तो यहां पे ध्यान देने वाली बात थी। चलिए बिना देर करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 16% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। एक वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा को 16% बढ़ा दिया जा रहा है, और फिर बढ़ाने के बाद क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अभी कॉन्सेप्ट समझिए, क्या कह रहा है, यह आपका एक वर्ग है और वर्ग की एक भुजा को 16% बढ़ाया जा रहा है ना। आप फॉर्मूला जानते हो, जब कुछ भी बढ़ाया जाएगा तो क्या हो जाएगा x + y + xy/100, याद रखना, एकदम इतना घिस डालो ना कि आपके आत्मा में घुस जाए, आपकी आत्मा में घुस जाएगा फिर कभी निकलेगा ही नहीं, एकदम जिंदगी भर याद रहेगा। तो लगा दो भाई, यहां पे x भी 16 है और y भी 16 है, तो सीधा क्या हो जाएगा 16 + 16 + 16 × 16/100, दोनों बढ़ रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्या बढ़ा, बढ़ाया ही जा रहा है, तो यहां पे हो जाएगा 32 और ये 16 × 16 = 256 यानी कि 2.56, और 2.56 32 में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा भाई 34.56। आप देख लो, आपके कहीं कहीं भी अगर ऑप्शन में दिख जाए तो बिना देरी के वो टिक मार के जल्दी से भाग जाओ, लेकिन ज्यादा जल्दबाजी ठीक नहीं है, थोड़ा दिमाग से देख लेना, हालांकि ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा देखिए, मैं यहां पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं, यहां पे क्लियर कर दूं कि हमारा 2D फिगर चल रहा है, 2D फिगर मतलब दो डायमेंशन वाले फिगर, ऐसे फिगर जिनमें दो बीमाएं होती हैं, एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है, क्या होती है, एक लंबाई एक चौड़ाई। जैसे आपका वर्ग, ये आपका क्या है 2D फिगर है, आपका आयत, ये भी आपका लंबाई चौड़ाई है 2D फिगर है, आपका त्रिभुज,
इसमें भी लंबाई चौड़ाई है, ये मैं बताऊंगा ज्योमेट्री में मेंसुरेशन में कहां लंबाई कहां चौड़ाई है। ये भी 2D फिगर है आपका वृत्त सर्कल, ये भी आपका 2D फिगर है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई है। आपको नहीं दिख रहा होगा लंबाई चौड़ाई, लेकिन मुझे दिख रहा है, मैं बताऊंगा मेंसुरेशन में। तो ये भी 2D फिगर है, ऐसे सारे फिगर, रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम होता है, सब कुछ ट्रेपेजियम होता है, सारे क्या होते हैं 2D फिगर होते हैं। तो अगर उसमें लग जाए तो हम सीधा क्या लगाते हैं, एक्स वाई अपॉन 100 लगाते हैं। लेकिन अगर 3D फिगर आ जाए तब आप एक्स वाई नहीं लगा सकते, लगाओगे वही लेकिन एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा। तो जब वो प्रश्न आएगा तो हम बताएंगे कि कैसे होगा, उससे पहले हम प्रश्न को तो देखें। तो ये वाला प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न कह रहा है आपका कि एक तेल कंपनी ने तेल की कीमत 40% कम कर दी। एक तेल की कोई कंपनी है, रिलायंस अगर आप कंपनी होती है, तो वो 40% दाम कम कर दे रही है, और अगर दाम कम कर दिए तो लोग उसे ज्यादा खरीदेंगे। तो वही बोल रहा है जिसके प्रभाव से कुल बिक्री में 40% का इजाफा हो जाता है। अब बताओ कि तेल कंपनी को कितने प्रतिशत का फायदा या नुकसान हुआ। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि ये 40% कम भी कर रहा है और ये 40% बढ़ा भी रहा है। तो जब कम करेगा तो माइनस और जब ज्यादा करेगा तो प्लस। एक बार लगा के देखें तभी तो समझ में आएगा। तो वहां पे कम कर रहा है तो माइनस का 40, यहाँ पे बढ़ा रहा है तो प्लस का 40, और माइनस और प्लस दोनों गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और 40 × 40/100 यानी कि वहां पे 16 देगा। तो 40 और 40 ये तो कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा केवल 16, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस। बात समझ में आई। और अगर माइनस है तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि हमेशा क्या होगा, कम होगा, और कम मतलब क्या होगा यहाँ पे, नुकसान। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पे 16% वो हो जाएगा। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी किसी चीज में x परसेंट की बढ़ोतरी हो और x ही परसेंट की कमी हो तो हमेशा जो रिजल्ट होता है वो x स्क्वायर बाई 100 होता है, और ये हमेशा क्या होता है, कमी होता है, लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है या कमी होता है। ये एक हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कब, जब दोनों x हो, एक्स वाई ना हो, जब दोनों वैल्यू सेम हो और एक बढ़ रहा हो तो दूसरा घट रहा हो, एक घट रहा हो तो दूसरा क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, तभी होगा। ऐसा नहीं, हमेशा केस में नहीं होगा, ये दोनों सेम होना चाहिए और एक घट रहा हो एक बढ़ रहा हो। ये नहीं कि दोनों एक्स है और दोनों बढ़ रहे हैं तब नहीं लगाओगे, गड़बड़ हो जाएगा, या दोनों घट रहे होंगे तब भी नहीं लगा पाओगे, तब भी गड़बड़ हो जाएगा। एक बढ़ रहा होगा एक घट रहा होगा तब लगाओगे, तभी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक वस्तु की कीमत 20% घटा दी जाए, कितने, 20% घटा दी जाती है, तो इसकी बिक्री में x परसेंट की वृद्धि हो जाती है। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि होती है तो x की वैल्यू पता करें। इसमें ऑप्शन सट गया है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से क्या लेना देना, हमें तो समझना है। यहां पर एक वस्तु है, उसकी कीमत जो है वो 20% क्या हो रही है, घट जा रही है, और अगर कीमत 20% घट जाएगी तो बोल रहा है कि इसकी बिक्री में x परसेंट की वृद्धि हो जाती है। अभी आपको पता होता था, लेकिन यहां पे ये गायब कर दिया, और उसकी जगह पे क्या दे दिया, वो कुल दे दिया, मतलब कि आपको x पता है 20 और वो भी माइनस का, क्योंकि घट रहा है, और यहां पे x क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो प्लस का x, और यहां पे माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 20 × x/100, और ये बराबर कितना बोल रहा है, 60, यही तो बोल रहा है। तो बस यहां से x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, बहुत आराम से निकल आएगा, ये माइनस 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 80। तो ये x माइनस और 20 और इसे कितना कट करेगा, 5 बार, x/5 बराबर क्या हो जाएगा, 80। ये माइनस का 20 इधर जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो x में से x/5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4/5x बराबर क्या, 80। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 80 × 5/4, ये 20 से जाएगा तो ये हो जाएगा 100, यानी कि 100 आपका उत्तर हो जाएगा। फटाक से ऑप्शन में ढूंढो और जहां दिखे वहां मार दो डबल टिक। बात समझ में आ गई, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें समझते चलना है, सीखते चलना है। अगर हम यहां पे ध्यान नहीं दिए तो यकीन मानिए जिंदगी भर परेशान करने वाली है मैथ, और मैथ जैसी आसान सब्जेक्ट भी कोई नहीं है, बस आप उससे प्यार कर बैठो। एक बार मैथ से प्यार हो गया तो वो आपसे प्यार कर बैठेगी, और अगर आपसे प्यार कर बैठेगी तो आपसे मैथ आ जाएगी, और अगर आप मैथ को इग्नोर करोगे तो आपसे नाराज हो जाएगी, और अगर नाराज हो जाएगी तो मैथ कभी नहीं आएगी। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसी के साथ। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को देखते हैं।
क्या कह रहा है कि यदि एक वस्तु की कीमत पहले 10% और फिर 20% बढ़ा दी जाती है, पहले 10% बढ़ाई जा रही है फिर 20% बढ़ाई जा रही है उसके बाद, तो वस्तु का अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए हो जाता है। कुछ नया है, एक बार इसे लगाइए, वीडियो पॉज करिए, लगाइए, देखिए आपसे लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है। इतना भाई 6 क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, अभी तो आपका दिमाग एकदम खुल जाना चाहिए, एकदम ऐसा बहुत तेजी से रॉकेट की तरह दौड़ना चाहिए, तो ये लग जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं लगता है। तो मैं बताता हूं, और मैं कैसे बताता हूं, आप समझिए बात को। क्या कह रहा है कि 10% और 20% दोनों बढ़ रहा है, और बढ़ने के बाद इसका मूल्य कितना हो जा रहा है, 33। यहां पे मैं आपको हिंट देता हूं, दो चीज लगेगा। पहली क्लास में जो हमने पढ़ा था क्या, कंपैरिजन, उसे भी साथ में लगाएंगे और एक्स और वाई भी साथ में लगाएंगे। तो लगा डालिए, इतना पता हो गया तो रोका कौन आपको है। क्या बोल रहा है, पहले 10% फिर 20%, तो 10 बढ़ा फिर 20 बढ़ा प्लस 10 × 20/100 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 30 और 2 यहाँ पे मिलेगा, तो हो जाएगा 32% आपका टोटल क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। और अगर 32% टोटल इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन वो बोल रहा है कि बढ़ने के बाद कितना हो जा रहा है, 33। समझिएगा, कोई चीज पहले 100 थी और वो बढ़ के 32% उसमें बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। 100 थी, 32% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। और वो बोल रहा है भैया ये 132 नहीं है, ये क्या है, वो क्या कह रहा है, ये 132 नहीं है, ये 33 है। प्रश्न कह रहा है ये बढ़ने के बाद 33 है, मैं कह रहा हूं कि बढ़ने के बाद 132 है, तो बस कर डालो यहां पे कंपैरिजन, आप अपने आपको क्वेश्चन से कंपेयर कर डालो। तो अगर आपके 132 बराबर 33 तो आपके 100 बराबर क्या, 33/132/100, यही तो 11 3 33 और 11 × 12 132, 3 × 12 400 को काटेगा 25 बार, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 25। यानी आपने 100 माना था लेकिन है क्या वो 25, और ढूंढ डालो फटाक से ऑप्शन में कहां है 25, 25 यहां पे है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये हमारा थोड़ा, जैसे जैसे मैंने बताया नहीं, जब वो मॉडरेट लेवल में जाएगा तो वो दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करेगा, एक कौन सा, कंपेरिजन को, और दूसरा आपका एक्स वाई को। जब आपको आसानी से पूछना होगा तो एक्स वाई पूछ लेगा, और आसान पूछना होगा कंपेरिजन पूछ लेगा, लेकिन जब आपको मॉडरेट और टफ के बीच क्वेश्चन देगा तो ऐसा क्वेश्चन देगा। एक समय के लिए आपको लगेगा कि बहुत टफ है, मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे आप शुरुआत करोगे, धीरे धीरे लगाना शुरू करोगे, वैसे ही आपका उत्तर आता चला जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जूम कर लेते हैं इसे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 30% की कमी की जाती है, और फिर इसमें 30% की वृद्धि की जाती है। अब वो जिद में आ गया है कि पहले बढ़ाएगा फिर घटाएगा फिर बढ़ाएगा, तो संख्या में होने वाली शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बताया अभी आपसे कि ये एक लेवल आगे का है, जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे प्रश्न की संख्या आपकी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे प्रश्नों का स्तर बढ़ता जाएगा। हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे, तभी तो हम जीरो से हीरो बनेंगे। तो फिर कहते हैं एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, 30% की अगर वृद्धि की जाएगी तो, और फिर 30% की कमी की जाती है, उसके बाद फिर 30%। हमने तो दो बार सीखा है भाई कि एक बार अगर बढ़ रहा है एक बार घट रहा है तो एक्स वाई लगा देंगे, और यहां पे 30-30 दिखा, 30-30 दिखा, तो हम बस लगा सकते हैं वहां पे एक्स स्क्वायर बाई 100 लगा देंगे। यही तो मैंने बोला था कि जब दोनों सेम हो जाए, और एक बढ़ रहा हो, वृद्धि हो रही हो, और एक कमी हो रही हो, एक ही क्या हो रही हो, कमी हो रही हो, तो आपका क्या आ जाएगा उत्तर, एक्स स्क्वायर बाई 100 आ जाएगा, और वो भी माइनस में आ जाएगा, है ना। तो यहां से तो आप निकाल लोगे, लेकिन इसका क्या करोगे, ये जो तीसरा वाला है इसके लिए भी तो कुछ सोचना पड़ेगा। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, दो बार एक्स वाई लगाएंगे। जब जब आपका एक ही प्रश्न में जो सक्सेशन है, यानी कि जो प्रोसेस है, वो कितनी बार हो, 3 बार, बढ़े घटे फिर बढ़े, बढ़े बढ़े फिर बढ़े, घटे घटे फिर घटे, या कुछ भी हो, कोई भी वहां पर फॉर्मेशन हो, अगर 3 बार होता है तो आप क्या करोगे, सपोज करो 1 बार या 2 बार या 3 बार, सबसे पहले पहले और दूसरे बार क्या लगा लोगे, एक्स वाई, और यहां से जो रिजल्ट आएगा हमने जेड मान लिया, ये इसके साथ लगा लोगे। नहीं समझ में आया मैंने क्या कहा, अभी समझाता हूं। सपोज करिए पहले 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, फिर 30% बढ़ा, तो आप सबसे पहले इन दोनों से एक्स वाई लगाओगे, क्या आ जाएगा, 10 प्लस 20
प्लस 10 गुणे 20 बटे 100 कितना आ जाएगा, यहां पे 21% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 31% सॉरी 32%, 10 प्लस 20 30, 2 32% यहां पे हो जाएगा। और इस 32% और 30% में फिर से एक्स वाई लगा दोगे, कैसे, 32 प्लस 30 प्लस 32 गुणे 30 बटे 100 और ये आपका क्या हो जाएगा, 30 32 62 और 32 3 दूनी 6 3 त्रिकोण 96 9.6 इसे जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे 6 9 2 11 और यहां पे 71.6, समझ में आ गया, ये आपका फाइनल परसेंटेज इंक्रीमेंट आएगा। तो जब तीन बार प्रोसेस हो रही होगी कोई चीजें तो आप कितनी बार लगाओगे, दो बार एक्स वाई लगाओगे, जब दो बार प्रोसेस हो रहा होगा तब कितनी बार लगाओगे, एक बार एक्स वाई लगाओगे। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, यहां पे तीन बार हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है और फिर बढ़ रहा है, तो यहां पे तीन बार लगाओगे। लेकिन ध्यान दो कि ये जब दोनों सेम है तो आप जब इन दोनों को देखोगे तब तो पता चल ही जाएगा कि इसका तो एक्स स्क्वायर बाई 100 आएगा और वो भी माइनस में आएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 100 मतलब 900 बटे 100 मतलब माइनस का क्या आएगा, नो, एक्स स्क्वायर 100 बाई मतलब चलो मैं करके पूरा बता दूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक्स स्क्वायर बाई 100 मतलब कि 30 का स्क्वायर बटे 100 आगे माइनस, तो 900 बटे 100 यानी कि क्या आ जाएगा, 9% और माइनस लगा रहेगा यानी माइनस का 9%। इन दोनों का रिजल्ट क्या आया, माइनस का 9% और यहां पे क्या हो रहा है, 30 की वृद्धि, तो अब माइनस 9 उठा लेंगे और इसके साथ क्या लगा देंगे, इसके साथ लगा देंगे 30, 30 की वृद्धि लगा देंगे। तो 30 की वृद्धि कैसे लगा देंगे देख लेते हैं, माइनस 9 प्लस 30 और प्लस माइनस का माइनस, 30 गुणे 9 बटे 100, माइनस 9 प्लस 30 प्लस का आ जाएगा 21 और यहां पे माइनस आ जाएगा 0 0 कट जाएगा, 9 3 27 यानी 2.7, 21 में से 2.7 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और आप यहां से उत्तर ले लोगे। तो एक बार देख लेते हैं कि हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा, 21 में से 2 जाएगा भाई 19 और 0.7 और हटाओगे तो 18.3% और पॉजिटिव का आएगा 18.3%, तो आपका क्या हो जाएगा, 18.3% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये हमारा सही रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां से हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर तीन बार प्रोसेस हो रहा होगा तो एक्स वाई कितनी बार लगाएंगे, दो बार लगाएंगे। दिमाग में बिठा लीजिए, आत्मा में बिठा लीजिए, कभी नहीं भूलना है, आगे का प्रश्न करेंगे एकदम से समझ में आ जाएगा। चलिए इसे जूम करते हैं और फिर इसे देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि किसी गोले यानी कि स्फेयर की बात कर रहा है, स्फेयर गोला जानते हो ना, जो ऐसा होता है 3D फिगर गेंद, उसकी बात कर रहा है। त्रिज्या में 10% की बढ़ोतरी की गई, त्रिज्या मतलब उसकी रेडियस 10% बढ़ाया गया कर दी जाए तो उसके कुल आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके कुल वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, वही पूछ रहा है। तो आयतन मतलब समझिएगा 3D फिगर, एरिया की जब बात करता है, क्षेत्रफल की बात करता है, तो वो 2D की बात कर रहा होता है, 2D फिगर की बात कर रहा होता है, दो डायमेंशन वाले फिगर की बात कर रहा होता है। और जब वॉल्यूम की बात करेगा, आयतन की बात करेगा, तब वो किसकी बात करेगा, 3D फिगर की बात करेगा। 3D फिगर में क्या क्या होता है, आपका गोला होता है, आपका क्यूब होता है घन, आपका घनाभ होता है, प्रिज्म, पिरामिड, ये सब क्या हुए, ये सब 3D फिगर हुए। तो ये आपके 3D फिगर है। इसमें बोल रहा है आपका कि एक हमारा गोला स्फीयर है ना, गेंद है, उसकी त्रिज्या में 10% की बढ़ोतरी की जाए तो क्या हो जाएगा, आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ध्यान रखिए जब 2D फिगर हो तो आप क्या करोगे, 1 टाइम एक्स वाई लगाओगे, और आपका 3D फिगर होगा तो आपको 2 टाइम एक्स वाई लगाना पड़ेगा। और एक्स वाई लगाना आप सीख गए हो, लगा डालो भाई, लगा डालो। क्या कह रहा है, कितने परसेंट की, 10% की। तो यहां पे सबसे पहले आपको मालूम है 10 + 10 + 1 यानी कि 21%, थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, 10 × 10 = 100 एक ही आएगा। और जब ये 21 एक आ गया तो दूसरा 10 बचा हुआ है इसके साथ भी लगा लो, तो 21 + 10 + 21 × 10 = 100 तो यहां पर कितना जाएगा, 31 और 2.1 यानी कि 33.1% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो जब आपका 3D फिगर आए तो आप ऐसे कर सकते हो। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं सारे तरीके यहां पे नहीं बता रहा हूं, मैं वही तरीके बता रहा हूं जो हर जगह अप्लाई हो जाए, है ना। कोई जरूरी नहीं है आपका कि आप सारे तरीके सीख लो और वहां पे एक भी मत कर पाओ, एक तरीका सीखो जिससे सारे प्रश्न हो जाएं वो ज्यादा बेहतर है, वो पढ़ें जिसमें सिलेक्शन होना है,
वो करें जिसमें हमारी नौकरी पक्की हो जाए, वो करें जिससे घर वाले खुश हों और आपकी आत्मा को संतुष्टि मिले। वो काम मत करिए कि उसका कोई फायदा मत मिले। उठा डालो 10-12 किताब, पढ़ डालो, कर डालो PhD, बन जाओ मैथमेटिशियन और नौकरी ना ले पाओ, एक जिंदगी हो जाए बेकार, है ना। मैथ इससे खुश नहीं होती, मैथ बुरा मान जाती है, और जब मैथ बुरा मान जाती है तो फिर मैथ कभी नहीं आती है। किसी सिलेंडर के व्यास में 20% की वृद्धि हो जाती है, उसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत कर दिया जाए, कम कर दिया जाए कि उसके आयतन में कुल 8% की वृद्धि हुई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि लेवल अब अपने एक्सट्रीम पे जा रहा है, और लेवल एक्सट्रीम पे जा रहा है तो वही तो इसका रिजल्ट है। और अभी अभी कल हमने क्या सीखा था, कल कुछ सीखा था ना, कल की क्लास में मैंने बताया कि जो कल की क्लास नहीं देखेगा उसे ये क्लास नहीं समझ में आएगा। एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, दो आ जाएगा, तीन आ जाएगा, इसके बाद नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन कल की क्लास पे आधारित है। तो कर लेते हैं भाई, क्या कह रहे हैं कि किसी सिलेंडर के व्यास में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उसके आयतन में कुल 8% की वृद्धि हो, उसके आयतन में क्या हो, 8% की वृद्धि हो। अभी देखो सिलेंडर है, सिलेंडर कौन सा फिगर है आपका, ये बात समझ में आ गई, 3D फिगर है। और अगर 3D फिगर है उसके व्यास में, व्यास मतलब डायमीटर, डायमीटर में 20% की कमी कर जाए तो क्या हो जाएगा, आयतन कम होगा कि नहीं होगा। लेकिन वो बोले कि ऊंचाई को बढ़ा दिया जाए, ऊंचाई मतलब हाइट, कि उसके आयतन में केवल 8% का फर्क हो। तो यहां पे मैं बताता हूं क्या क्या लगेगा आपका। पहला कॉन्सेप्ट तो आपका लगेगा x, y। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका लगेगा कि कोई चीज अगर बढ़ रही हो तो उसे फिर से वापस लाने में आप क्या करोगे, कल क्या सीखते, पलट देते हो ना। तो बस कल वाली क्लास, कोई चीज अगर बढ़ रही है तो उसे घटाने के लिए आप क्या करोगे, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। और इसके बाद आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो इतना हमारी दो चीज होगी लगाते हैं भाई। क्या बोले, 20% की वृद्धि हो गई। अब समझना कि कभी भी किसी भी 3D फिगर का आयतन निकालोगे तो उसमें दो चीज आएंगी, एक आपका एरिया उसका क्षेत्रफल गुणे उसकी ऊंचाई। किसी भी चीज का, ये मैं 3 डायमेंशनल फिगर में और अच्छे से समझाऊंगा, चलो मैं समझा देता हूं, यहां पे कुछ है नहीं मेरे पास। सपोज करिए, यहां पे मैं समझाता हूं आपको, इसी सिलेंडर को लेता हूं, कि आपके पास सिक्का है, सिक्का तो जानते हो ना, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए के सिक्के जानते हो ना, 4 रुपए का सिक्का नहीं, 5 रुपए का सिक्का आता है, 3 का भी नहीं आता। ये मान लो 1 रुपए का सिक्का है, और इसी 1 रुपए के सिक्के के ऊपर 1 रुपए का सिक्का मैंने और रख दिया, उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का और रख दिया, उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का और रख दिया, फिर ऐसे ऐसे मैं रखता सिक्का चला गया। समझ रहे हैं, क्या बन गया ये आपका, ये आपका सिलेंडर बन गया। यही तो होता है भाई, एक का सिक्का सिक्के के ऊपर सिक्का सिक्का रख दो तो सिलेंडर जैसा शेप नहीं बन जाता आपका, है ना। बस वही तो सिलेंडर होता है, सिक्के के ऊपर सिक्का रखता चले जा रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। ये देखिए, ये क्या है, ये सिलेंडर ही तो है। तो बस इसका मतलब कि अगर हम एक सिलेंडर लें और उसमें मान लो 10 सिक्के जोड़ रहे हैं, 10 सिक्के ऊपर नीचे रख रहे हैं, तो इन 10ों की जो हाइट होगी उससे 1 के क्षेत्रफल को गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल का आयतन निकल जाएगा। तो यही कहता है, यही कहता है कि किसी को हमें वॉल्यूम निकालने के लिए, आयतन निकालने के लिए हमें उसके क्षेत्रफल से, एरिया से उसकी ऊंचाई को गुणा कर दें तो क्या पता चल जाएगा, वॉल्यूम पता चल जाएगा, आयतन पता चल जाएगा। तो जब एरिया की बात आ गई तो आप जान रहे हो यहां पे क्या लगाओगे, एक बार xy लगाओगे। तो जो आपका यहां पे डायमेंशन बढ़ रहा है वो अल्टीमेटली बढ़ा के किसे रहा है, अगर ये डायमेंशन बढ़ेगा, इसके बढ़ेगा, डायमीटर बढ़ेगा तो बढ़ाएगा तो इसके क्षेत्रफल को ही, और अगर क्षेत्रफल को बढ़ाएगा तो कितना बढ़ा देगा, वो आपका बढ़ा देगा 20 + 20 + 20 × 20/100। यही तो बढ़ाएगा, एक्स वाई तो लगाओगे, अगर एक आर में बढ़ रहा है तो दूसरे में भी उतना बढ़ जाएगा। तो ये जगह 40 और 4 = 44, 44% उसका क्षेत्रफल बढ़ गया। अब बोल रहा है कि किसे, हाइट को कितना कम कर दिया जाए कि उसके कुल आयतन में कितना चेंज आए, कुल आयतन में चेंज कितना कह रहा है, 8% कह रहा है। तो मैं यही पे समझाता हूं, आपका बढ़ा कितना, 44%, तो पहले 100 था, बढ़ के कितना हो जाएगा, 144, और फिर इस 144 को कहां तक लेके आना है, 8% की कुल केवल वृद्धि हो, तो 8% वृद्धि हो मतलब कि वो हो कितनी, 108। समझ में आ रहा है, ये 108 लिखा हुआ है, ये 108 लिखा हुआ है, 100 से 144 गया और 144 से हमें कितना करना है, 108 ही करना है। तो इसके और इसके बीच में अंतर कितना हुआ बताओ भाई, इसके इसके बीच में अंतर ना हुआ है ना,
बटे 144 गुणे 100, क्यों हो जाएगा 8 6 14 और 3 1 4 144। अब इसे कट कर लेते हैं, किससे कटेगा हमारा 10 20 25 और 30, चार से कट कर लेते हैं तो 4 9 36, 4 3 12 और 24, 4 6 24 36, 9 4 36 और 4 इसे कितना बार कटेगा 25%, यानी कि आपका 25 आपका क्या आ जाएगा सही उत्तर आ जाएगा। कहने का मतलब हाइट को कितना कम करें, 25 कम करें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। फिर से मैं समझा देता हूं जिस समझ में ना आए एक बार में ओवरथ्रो में कि क्या क्या मैंने किया आखिर इसमें। सबसे पहले मैंने एक्स वाई लगाया ताकि हमें कुल एरिया में इंक्रीमेंट पता चल जाए, और एरिया में इंक्रीमेंट पता चल जाए तो हमें हाइट को कम करना है। ये 100 था, बढ़ गया 144, 144 से हमें लेके आना था केवल 108, अंतर इसका था 36 बटे 144 गुणे 100, इतना ही हमें कम करना पड़ेगा और इसका उत्तर आ जाएगा 25%। ये इन समरी इसका क्या था उत्तर। तो इतना जल्दी आपका उत्तर आ जाएगा, लेकिन तब आ पाएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। याद रखें कि बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब आपके उसकी आत्मा पता है। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब ये नहीं होता कि आपको एक्स और वाई अप्लाई करना, इसे बेसिक नहीं कहते। बेसिक मतलब पता होना चाहिए, कंपेयर आप कर पा रहे हो। बेसिक मतलब पता होना चाहिए कोई चीज बढ़ रही है तो कैसे बढ़ रही है, आपके दिमाग में फोटो बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए। हमारा दिमाग किस में सोचता है, हमारा दिमाग इमेज में सोचता है, तस्वीरों में सोचता है। तो जो भी चीज आप सुनो उसका एक तस्वीर बन जाए, तब जाके आपको समझ में आने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घोल में 15% चीनी है, यदि इसमें 10 लीटर पानी उबालकर उड़ा दिया जाए तो उसमें चीनी की मात्रा 20% हो जाएगी, घोल की प्रारंभिक मात्रा बताएं। तो वीडियो पॉज करें, इसे लगाएं, नहीं लगता तो हमारा सोल्यूशन देखें। मैं कैसे बताऊंगा, देखिए अगर मैं एग्जाम हॉल में होता और मेरे सामने ये प्रश्न आ जाता तो मैं इसे कैसे करता आपको ये देखना है। मैं क्या करता भाई, बढ़ 15% से कितना रहा है 20%, यानी बढ़ रहा है 3 से 4, तो मैं इसे उल्टा कर देता 4 से 3, अंतर है 1, 1 बराबर मैं लिख देता 10, तो 4 बराबर हमारी इनिशियल वैल्यू थी, मेरा आ जाता 40 और मैं फटाक से मार देता टिक। समझ में नहीं आया, उड़ गया। तो यही तो है कल की क्लास, यही तो हमें सीखना है कि ऐसे टाइप के प्रश्न अगर आते हैं तो हम कैसे उन्हें डील करेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कल की क्लास में सीखने वाला। मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं कि कोई नंबर अगर कांस्टेंट है तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, और उसी कॉन्सेप्ट पे हम ऐसे बहुत सारे प्रश्न लगाएंगे जो आप कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचे होंगे कि अरे ये वाला प्रश्न इस तरीके से लग जाता है। सिंगल कॉन्सेप्ट मल्टीपल सॉल्यूशन, एक कॉन्सेप्ट से हम सारे प्रश्न हल कर डालेंगे परसेंटेज के बचे कुचे के। तो हमने कंपैरिजन सीख लिया पहली क्लास में, हमने अगर कोई चीज बढ़ता है तो उसे वापस लाना सीख लिया, उस पे सारे प्रश्न देख लिए, हमने एक्स वाई भी अप्लाई करना सीख लिया, हमने एक्स वाई को एक बार अप्लाई करना सीख लिया, हमने एक्स वाई को दो बार अप्लाई करना सीख लिया, हम उसके एप्लीकेशन के बाद बढ़ा घटा रिजल्ट भी देख लिए, इतनी सारी चीजें हमने परसेंटेज में सीख लिया है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि और कितने अच्छे अच्छे प्रश्न बन सकते हैं, उनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, और इस कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अभी आपको क्या करना बाकी है, चॉकलेट क्वेश्चन का उत्तर देना बाकी है। तो ये है आपके सामने चॉकलेट का क्वेश्चन, जो मैं जूम कर दूं तो आपके सामने ये दिख रहा है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले जो चॉकलेट क्वेश्चन था उसका उत्तर कितना था 900/49, कितना था 900/49, पहले वाले में 16,000 था और दूसरे वाले में 900/49। तो यहां पे हम करते हैं, क्या कह रहे हैं कि किसी घनाक क्यूबाइड की लंबाई एवं चौड़ाई दोनों को 10% बढ़ाया जाता है, जिसके फलस्वरूप घनाक का आयतन बढ़ जाता है, आयतन को पुनः कम करने के प्रयास में इसकी ऊंचाई को 20 सेंटीमीटर कम किया जाता है, किंतु यह पाया जाता है कि आयतन अभी भी पहले से 10% अधिक है, तो घनाभ की ऊंचाई कितनी है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आपने जो ये 10 क्वेश्चन लगा लिए हैं इन्हीं 10 के क्वेश्चन पे आधारित है ये प्रश्न। अगर आप
पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखे होगे तो एक सेकंड में इसका उत्तर दोगे, और इस सेकंड का उत्तर आपको देना पड़ेगा, कमेंट में देना पड़ेगा, वरना मैथ आपसे गुस्सा जाएगी और मैथ गुस्सा जाएगी तो मैथ कभी नहीं आएगी। चॉकलेट क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। चॉकलेट क्वेश्चन का उत्तर बताता है कि आपने मैथ को कितनी शिद्दत के साथ सीखा है, कितनी मोहब्बत, कितने प्यार के साथ सीखा है, और वो उतने ही प्यार से आपके आत्मा में बस्ती चली जाएगी। तो चॉकलेट क्वेश्चन का हमें उत्तर देना है। नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।